चल पड़ा हूँ फिर से एक और नए सफ़र पे। इस बार का सफ़र बड़ा ही रोमांचपूर्ण होने वाला है। अपने घर से मुझे जाना है मुजफ्फरपुर बिहार, मिलना है अपने दोस्त से और देखना है पूरा ही बिहार। और इस वीडियो में मैं ले जा रहा हूँ आपको सीतामढ़ी, माता सीता की जन्मभूमि। प्रिंस के घर हो रहा था श्रीमद् भागवत कथा का पाठ। सीतामढ़ी जाने से पहले मेरा सौभाग्य रहा कि मुझे श्रीमद् भागवत कथा का रस सुनने को मिला। प्रिंस के दोस्तों के साथ वहाँ मेरी मुलाकात हुई, जो कि अब मेरे भी अच्छे दोस्त हैं। मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। एक और नई वीडियो में आप सबका मैं स्वागत करता हूँ बिहार की इस पावन भूमि से। हमारे साथ हमारे मित्र जुड़े रहेंगे इस सीरीज में, प्रिंस कुमार। और प्रिंस भैया, हम कहाँ जा रहे हैं आप बताओगे थोड़ा सा व्यूअर्स? मतलब सीतामढ़ी जा रहे हैं जानकी मंदिर, जहाँ सीता माता का जन्म हुआ था, हम सभी वहीं जा रहे हैं। हम निकल चुके हैं घर से और हम जा रहे हैं मुजफ्फरपुर। ये पूरी ट्रैवल जर्नी मैं आपको बताने वाला हूँ किस तरह से आप ट्रैवल कर सकते हो कम बजट में, किस तरह से आप ट्रैवल कर सकते हो। होप करता हूं वाली वीडियो आपको काफ़ी अच्छी लगने वाली है। पूरी वीडियो जरूर जरूर देखिए। सीतामढ़ी पहुंचने के लिए बहुत सारे तरीके हैं। रेल, रोड और एयरवे से आप वहां पहुंच सकते हो। बस और ट्रेन आपको बिहार के किसी भी छोटे बड़े शहर से सीतामढ़ी के लिए सीधा मिल जाएंगी। सीतामढ़ी रेलवे स्टेशन मंदिर से सिर्फ 3 किलोमीटर की दूरी पे, जहां से आपको मुजफ्फरपुर, दरभंगा और रक्सौल के लिए रेगुलर ट्रेन्स मिल जाती हैं। अगर आप पटना से आ रहे हो तो आपको किराया बस का करीब पड़ेगा 155 से 180 रुपये, और आप अगर मुजफ्फरपुर से आ रहे हो तो आपको 100 रुपये बस का किराया पड़ेगा। यही आप अगर ट्रेन से आ रहे हो तो ये किराया मुजफ्फरपुर से 35 रुपये होता है, और अगर आप पटना से आ रहे हो तो ये किराया 70-80 रुपये होगा। हम पहुंच चुके हैं सीतामढ़ी, जहां पर बहुत ही भव्य मंदिर हमें देखने को मिल रहा है। मंदिर में आज भी माता सीता और भगवान श्री राम के साक्षात होने का एहसास होता है। मंदिर की दीवारों पर माता सीता और भगवान राम से जुड़े हुए काफ़ी सारे चित्र आपको देखने को मिलेंगे। मंदिर की मान्यता और माता सीता से जुड़ा हुआ पूरा इतिहास हमें बताया मंदिर के मुख्य पुजारी जी श्री विकास दुबे जी ने। उनको आप आगे भी सुनने वाले हो। हम आ चुके हैं सीतामढ़ी मंदिर, सीता जी का जन्म स्थान। यहाँ पे आने का रास्ता बड़ा इजी है। हाँ, आप यहाँ पे अगर मुजफ्फरपुर से आ रहे हो तो रेल रोड से भी आ सकते हो और बस रोड से भी आप आ सकते हो। सबसे पहले जय श्री राम, मैं यहाँ का पुजारी हूँ। मेरा नाम हुआ विकास दुबे। ये जगह जो है पुण्य स्थली और जन्म स्थली के नाम से जाना जाता है, माँ सीता की जन्म स्थली। तो पहले कथा कही जाती है कि 12 वर्ष तक जब जनक जी राजा थे, उस समय 12 वर्ष तक अकाल पड़ा हुआ था। राजा का कर्तव्य होता है कि अपनी प्रजा का सेवा करें, चाहे किसी भी हो। तो राजा देखे कि क्या किया जाए, क्योंकि उनके पास की जो धन कोष था काफ़ी व्यक्ति थे, तो बांटते बांटते जो भी धीरे धीरे समाप्त करने लगा। सोचा क्या किया जाए, तो जो भी राजा लोग कुछ भी करते हैं तो वो अपने ऋषिगण से या गुरुजन से आशीर्वाद स्वरूप मांगते हैं, कहते हैं। तो उन्होंने गुरुजन से चर्चा की। गुरुजनों ने कहा कि हम लोगों को एक हलेष्टि यज्ञ करना है। राजा जी यहाँ सामान्य तो देखा जाता है कि राजा कोई कार्य नहीं करते, उनका तो लोग करता है, लेकिन इसमें होगा क्या कि जनक जी आप राजा हैं फिर भी आपको हल चलाना है। राजा बोले प्रजा हमारा पुत्र के समान है, इससे बड़ा सौभाग्य क्या है। वो तैयार हो गए। तो सबसे पहले किसी भी यज्ञ के लिए पुण्य स्थान का देखा जाता है कि कहाँ किया जाए, तो उसके लिए सबसे अच्छा जगह उनको ये बगल में ही ग्रीमसानी जगह कहा जाता है। हलेश्वर स्थान वहीं पे सबसे पहले महादेव की पूजा की गई, महादेव की स्थापना की गई। तो उनका नाम हलेश्वर इसलिए पड़ा क्योंकि हल का हलेष्टि यज्ञ था, हल के ईश्वर, और इस समस्याओं का भी हल वही कर सकते थे, इसलिए हल के ईश्वर हलेश्वर नाम से वहाँ विख्यात किया गया। और स्थापित करने के बाद वहाँ से हलेष्टि यज्ञ प्रारंभ हुआ। वो आते आते यहीं पे सीता कुंड बगल में ही है, वो विजय कुंड के नाम से, और वहाँ पे घड़ा फूटा। लोग देखा क्या है तो देखा कि एक बच्ची है, तो बच्ची का पालन वही कर सकता है जिनके द्वारा प्राप्त हुआ है, इसलिए राजा जनक जी उनके धर्म पिता बने, और इसलिए अब उसका नामकरण कराया जाए। तो मतलब नारद जी भी उस समय आ गए। नारद जी ने कहा कि इससे हल्के जो नोट होते हैं उससे सीत का है, सीत से उत्पन्न इसलिए सीता नाम है।
और उसके बाद उसी समय बहुत सारा पुष्प की बरसात होने लगी और जल पूरा एकदम बरसने लगा, पूरा एकदम आनंद हो गया, क्योंकि जल भी नहीं था और जल आ जाता है तो उपजा भी बढ़ जाती है, हर चीज़ व्यवस्था है। उसके बाद जो सीतामढ़ी नाम पड़ा, मढ़ई हम लोग घर पर बोलते हैं ठीक है, तो वो सीतामढ़ी सीता जी की मढ़ई थी, ये सीतामढ़ी नाम उसी को मढ़ई को बोलते बोलते बोलचाल की भाषा में सीतामढ़ी के नाम से प्रख्यात है। यहाँ जो है भगवान जो स्थापित है वो शालिग्राम के भगवान जो आपको कहीं नहीं मिलेंगे, आप अयोध्या के करीब हो चाहे कहीं भी, शालिग्राम की मूर्ति कहीं नहीं है। और यहाँ राम लक्ष्मण जानकी ये तीनों का पूरा स्थापित स्वरूप है और राम जी सीता जी एक साथ है, धनुष राम ये पूरा एकदम ये कहीं नहीं मिल सकता, तो ये सबसे बड़ा चीज़ है। और ये उसी समय निकला और ये निकलने से पीछे एक कथा कही गई है कि एक सुलक्षणा नाम का यहाँ जंगल हुआ करता है, वहाँ एक सिद्ध बाबा थे, उनको एक स्वप्न आया कि ऐसे ऐसे एक जगह है वहाँ तीन मूर्ति भगवान की है, उसकी सेवा करनी है, उसके लिए मंदिर स्थापना करनी है। वो वहीं से निकले, वहाँ आए तो एक नाग उसके इर्द गिर्द रहा करता था, इसलिए कहा गया कि वही रक्षा करता था। तो वहाँ आए लेकिन नाग उनको कुछ नहीं किया, जब वो मूर्ति को स्पर्श किए नाग उधर से हट गया, उसको लगा कि ये सेवा कर सकता है, तो नाग हट गया। उसके बाद उन्होंने मंदिर की स्थापना की, बगल में स्वामी जी का मंदिर है जिन्होंने स्थापना किया है, उनका समाधि स्वरूप बनाया है। जो सांप था उसका भी हमारे शिव मंदिर के जस्ट बगल में वहाँ समाधि उनका बनाया गया है। जय श्री राम। अभी अभी आपने सुनी पूरी कहानी पंडित जी द्वारा, जहाँ पे माता सीता प्राप्त हुई उस स्थान पर हम जा रहे हैं, माता सीता कुंड या जिसको लोग उर्वजा कुंड के नाम से भी जानते हैं। कुंड के मध्य में आपको देखने को मिलेगा एक छोटा सा मंदिर जिसमें पूरी घटना का वर्णन प्रतिमा स्वरूप देखने को मिलता है। हमें वृंदावन के एक प्रेमी भी एक हमें वहाँ पर मिले जिनसे हमारी थोड़ी सी बात हुई और मंदिर के पुजारी जी ने भी पूरी ही घटना का वर्णन कुछ ही चंद मिनटों में हमें पुनः कर दिया। वृंदावन से इतनी लगाव है कि मत गई और हमें भी इच्छा है कि हम भी कथावाचक बने और मेरे गुरुदेव जो परम अनिरुद्धाचार्य जी महाराज हैं सोचते हैं कि उन्हीं के पास जाकर और दीक्षा प्राप्त करूं। रावण सब ऋषि मुनि का खून का कर्ज लेते थे, यही घड़ा में जमा कर कर धरती में हला दिए, यह धरती 12 वर्ष के अकाल पड़ गया। 12 वर्ष के अकाल में जीव जंतु पंछी आदमी अन्न बिना पानी बिना त्राय त्राय दम तोड़ रहे थे। यह सतानंद जी महाराज आज्ञा दिए राजा जनक जी का, राजा अपने राज्य में हल उठाओगे तब बारिश होगा। यही राजा अपने प्रजा के लिए हल उठाए, घड़ा में ठोकर लगा, माता जानकी जी प्रकट हुए, बारिश हुआ, यादगार के लिए लिए तालाब हुआ। हर के नोखी के सीत कहल जाए थे, नारद भगवान इसका नाम सीता रखे और सीतामढ़ी घोषित हुए। बेबी आपने कहानी सुनी है, वो कहानी का एक पात्र उर्वजा कुंड यानी जहाँ पे सीता जी मिली थी वो जगह यही है, बिल्कुल एग्जैक्ट लोकेशन पर खड़ा हूँ मैं। पीछे जो है मंदिर बना रखा थी भव्य, आपने अभी अभी फुटेज में वीडियो में देख लिया हो। इससे हम जा रहे हैं एक और नेक्स्ट जगह, आप आगे उसको वीडियो में देखने वाले। वीडियो के एंड में आपके साथ शेयर कर रहा हूँ मेरी कुछ यादें माता सीता के स्थान सीतामढ़ी से और निकल पड़ा हूँ एक और नई यात्रा पे। होप करता हूँ मेरी वीडियो आपको काफ़ी अच्छी लगी, अच्छी लगी तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो शेयर कर देना। मिलता हूँ आपको एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।